देश के तीन बड़े संस्थानों ने मिलकर कोरोना के नए स्वरूप पर पहला चिकित्सा अध्ययन जारी किया है, जिसमें पता चला है कि ओमिक्रॉन से निकला XBB.1.16 स्वरूप काफी गंभीर है। इसकी चपेट में आने वाले 92% मरीज संक्रमित होने से पहले कोरोना रोधी टीके की कम से कम एक खुराक ले चुके हैं। इस स्वरूप से संक्रमित हर 4 में से एक रोगी को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है और 2.5% रोगियों की मौत हुई है। इससे पता चलता है कि नया स्वरूप कोरोना की राष्ट्रीय मृत्यु दर 1.1% से करीब 1.32% ज्यादा जानलेवा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि भारत में इस समय XBB.1.16 स्वरूप सबसे ज्यादा व्यापक है, जो 60% से ज्यादा मरीजों में देखने को मिल रहा है। इस अध्ययन ये पता चला है कि वो वेरिएंट हल्का नहीं है और इसका असर ओमिक्रॉन के दूसरे स्वरूप जितना ही गंभीर है। अध्ययन से शोधकर्ताओं को पता चला है कि सर्वाधिक 36.17% मरीजों में कोरोना का XBB.1.16 स्वरूप मिला है, जबकि 12.1% में XBB.2.3 और 10.36% में XBB.1.5 उपस्वरूप मिला है। ये दोनों उपस्वरूप भी हाल ही में सामने आए हैं। 2944 में से कुल 2856 मामलों को अध्ययन में शामिल किया गया था। सिर्फ XBB.1.16 स्वरूप से संक्रमित 276 मरीज थे, जिनमें चिकित्सा स्थिति देखने पर पता चला कि 92% कोरोना रोधी टीके की कम से कम एक खुराक ले चुके थे। इनमें जब संक्रमण के लक्षण दिखे तो पता चला 67% को बुखार, 42% को कफ, 33.7% को नाक बहना, 14.5% को शरीर में दर्द और 14.1% को थकान हो रही थी। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।